गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर वन रिवीजन। मैं आपको जो फोर चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, वो कंप्लीट हो चुके हैं। एफ ए फर्स्ट में जितने भी आ रहे हैं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर फिर से स्टार्ट हो रहा है। इसका रिवीजन है, इसका नेम भी रिवीजन है, और आज हम रिवीजन ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, एक एक पार्ट वो आपको करने हैं, और जो भी क्वेरी आती हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। ये फिर से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। ओके, फर्स्ट में आपके फोर चैप्टर आ रहे हैं, और फोर चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे फोर चैप्टर का, जो एफ ए फर्स्ट में आ रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिवीजन, नेम ही उसका रिवीजन है। इसमें क्या है, जो आपने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस किए हैं वो पढ़ाऊँगा। इसमें बेसिकली आपको खुद करने हैं, बट एक एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जो नहीं आएगा आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके फोर चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं जो आपके एफ ए फर्स्ट में आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर वन से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक पार्ट करा दूंगा। बाकी नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम्स। वो आपको पता ही होगा कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये होता है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। और देखिए, ऐसे ही होता है नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। मैं फिर से बता देता हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। वंस, टेंस, ये थाउजेंड है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ये 10,000, ये लैक, ये 10 लैक, करोड़ और 10 करोड़। आगे और भी आता है लेकिन आप करोड़ तक ही लेना। अब क्या करना है इसको, ये वंस वाले प्लेस को क्या करते हैं, ये वन से स्टार्ट होता है। देखिए, 1, 2, 3, जितने इसमें पोजीशन नंबर आ रहे हैं उतने ही इसमें क्या होते हैं, ज़ीरो लगे होते हैं। आपने देखा होगा, अब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे वंस में क्या होता है, वन वन ही होता है ओनली, और टू सेकंड प्लेस पे टेंस आ रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, 0। इसमें क्या आएगा, 3, तो मतलब 2, 0 होंगे। ऐसे करेंगे आप, पढ़ा होगा आपने। मैं आप क्वेश्चन पर आ जाता हूँ सीधा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसको क्या करना है, इसको करना है राइट द नंबर नेम्स, नंबर्स नेम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये रिवीजन स्टार्ट हो रहा है आपका। एफ ए फर्स्ट के चारों चैप्टर हो चुके हैं, 4, 2, 5, 7, 3, 2, ठीक है। आप कैसे काउंट करोगे इसको, वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, 10 लैख आ गया। तो ये 10 लैख में क्या आ गया, 42, ये 42 आ गया लैख, ठीक। अब ये 1,000, 5,000, ठीक है, और ये 700, ठीक, और ये क्या बचा, 32। यही होता है आपका नंबर नेम्स में लिखना, ठीक। अब आएगा इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 6,51,220 करिए, 6 लाख, 6 लाख, 51,220, ईजी है, कर सकते हो, ये किया है आपने। 6 लाख, लैक कहाँ है, देखो यहाँ लैक यहाँ है, तो यहाँ 6 लगा दिया। लैक में कितने होते हैं, 0, 5, ठीक है, 1, 10, 100 छूट गया इसमें। इसमें आप 100 और एक वो कर लेना ऐड, क्या छूटा इसमें, 100 छूट गया। देखो, 1, 10, 100, 100 के बाद आएगा 1,000, ठीक है। अब आ जाए 6 लाख, 6 लाख हो गया, 51,000, 51,000, फिर क्या कह रहा है, 220, 220, ऐसे लिख के जाएगा 6 लाख, यहाँ 6, 10,000 है ना, तो 51,051, ये दोनों हो गए 1,000 में। अब क्या कह रहा है, 200, 200, ये रहा 200, क्या बचा अब, 20, 2 ये रहा, 0 ये रहा, ऐसे लिखेंगे।
ये रिवीजन स्टार्ट है आपका। नेक्स्ट थर्ड को नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करके आपको ये लिखने हैं। इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट आपको पता है क्या होता है? चलिए इसे देख लेना और इसको खुद करना है आपको। नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ये भी खुद करना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ में एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? ज़ीरो करके लिखना होता है। एक क्वेश्चन बता देता हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म का। एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत ईजी है। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में बस 0 0 0 काउंट करके लिखने हैं। देखो ये वंस हो गया, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। ठीक है, 10,000 8 है, ये जितने नंबर हैं इसके आगे उतने ज़ीरो लगा दो। 40 प्लस, इस वाले ज़ीरो को हम लिखते नहीं हैं, जहाँ पे भी ज़ीरो है उसको लिखना मत। ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ 6 है, 6 के आगे कितने नंबर हैं? 2, 2 लगा दिया, प्लस लगाओ। 5 लिखा, 5 के आगे कितने नंबर हैं? 0, उसके बाद जो बचा वो लिख दिया। यही होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, अब इसी का क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मुझे ये दे रखा है 3, भाई इसको प्लस करके लिखना है। प्लस कर दो, 84 टाइम 0, बस यही आंसर। इसको मैं प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा। यही होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म। बाकी क्वेश्चन आपको खुद करना है। ये रिवीजन प्रीवियस एक्सरसाइज है। जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो।